चैप्टर फिफ्थ में बेटा हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जो है दल विन्यास। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ट्वेल्थ के अंदर है और जनरली जो क्वेश्चन है वो सीधा चार नंबर में आ जाता है। सचित्र इसके प्रकारों को पूछ लिया जाता है और जो आप पुष्पीय चित्र का निर्माण करोगे विभिन्न कुलों का, है ना, दो कुल आपके दिए हुए सोलनेसी और लिलियसी, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पुष्पीय चित्र बनाते हैं इन कुलों का। अगर आपको समझ में आएगा जब आपको बेसिक समझ में आएगी, है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं, अभी मैंने पुष्पीय चित्र आपको समझा दिया लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं कि दल विन्यास या दल क्या चीज होती है। उसको दल विन्यास को समझने से पहले हम समझेंगे कि दल क्या चीज होती है, ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दल क्या चीज होती है, जैसे ये फ्लावर है, ये मैंने पुष्प ले लिया, ठीक है, ये पुष्प है। अब इस पुष्प, ये जो पुष्प लगा हुआ है जिस तंतु की संरचना में लगा रहता है वो होता है पुष्पीय वृंत कहलाता है। आगे बात समझ में, अब यहाँ पर पत्तियां होती है इस तरीके से भी नो है, है ना। अब यहाँ पर इसके अंदर जैसे कि आप लोग देखते हो, जैसे मैं रोज बनाओ, अगर गुलाब का फूल अगर आप देखते हो, है ना, तो गुलाब के फूल में ऐसे नीचे की तरफ ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं और इस तरह से पत्तियाँ होती हैं। तो ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं जो इस डंठल पे लगी रहती हैं, पुष्पीय वृंत पे, पुष्पीय वृंत से जुड़ी होती हैं, ये तो कहलाती है बाह्य दल। क्या कहलाती है? बाह्य दल, पुंज कहेंगे जब हम इनको साथ में कहेंगे। और ये जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं जिसको देख के आप अट्रैक्ट करते हो, है ना, कि रेड है, पिंक है, ऑरेंज रोज है ना, तो वो हमारी कहलाती है दल पुंज। पुंज का मतलब क्या होता है बेटा? पुंज का मतलब होता है समूह, यानी एक दो तीन चार पाँच, पाँच जो ये बाह्य दल, ये सॉरी दल है, ये दल जो है उनका पूरा समूह, यानी पाँचों को हम साथ में क्या कह रहे हैं? पुंज कह रहे हैं, दल पुंज कह रहे हैं। लेकिन मैं अगर इस पर्टिकुलर की बात करूँ तो क्या कहूँगी? दल कहूँगी, ठीक है। वैसे ही ये जो है हमारे पास ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ होती है, ये पत्तियाँ हमारी क्या कहलाती है? बाह्य दल कहलाती है। एक सिंगल की बात करें तो क्या कहलाएगी? बाह्य दल कहलाती है। लेकिन इनको साथ में बोलेंगे तो क्या कहलाएगी? पुंज, पुंज मतलब समूह, यानी बाह्य दल का समूह। तो बाह्य दल पुंज और ये होता है दल पुंज। समझ आ गया इतना? फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज की, यहाँ पर जो है दल जो होते हैं वो क्या करते हैं? दल जो होते हैं वो अगर मान लो एक दूसरे के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। ये दल जो है, सपोज पहले मैं आपको अलग अलग बताती हूँ, चलो ये एक दूसरे से पृथक है, मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं है। आप इनमें गेप देख सकते हो, यहाँ भी गेप है, यहाँ भी गेप है, यहाँ भी गेप है, यहाँ भी गेप है, है ना। अगर आपको गेप मिलता है तो इन्हें कहेंगे पृथक दली। ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा? पृथक दली पुष्प कहलाएगा। अगली बात समझ में। लेकिन अगर ये दल जो है वो आपस में ऐसे चिपके हुए हैं, एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। देखो ये किनारे एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो इन्हें हम कहेंगे संयुक्त दली पुष्प। अगर संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, तो ये संयुक्त दली पुष्प हो गए, पृथक दली पुष्प हो गए। तो ये दो प्रकार होते हैं हमारे पुष्पों के, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग जो हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है मेन है, ठीक है, वो है हमारा दल विन्यास। दल विन्यास क्या होता है? देखो दल पुंज में क्या है? सिंगल को क्या बोलेंगे? दल। बाह्य दल पुंज, समूह में एक को क्या कहेंगे? बाह्य दल, ठीक है। तो बाह्य दल पुंज और दल पुंज के अंदर जो दल और बाह्य दल पाए जाते हैं उनकी आपस में व्यवस्था, मतलब जैसे कि ये फ्लावर है, ये फ्लावर, तो इस फ्लावर की ये जो आप दल देख रहे हो, इस ये पहला दल है, ये दूसरा दल है, तीसरा दल है, चौथा और ये पांचवा, तो इस दल की इसके साथ क्या व्यवस्था है? इसके साथ कैसी व्यवस्था है? इसके साथ कैसी व्यवस्था है? ये इसके साथ कैसी व्यवस्था है? यानी इन दलों की आपस में कैसी व्यवस्था है या पारस्परिक संबंध है, ठीक है, इनका आपस में क्या संबंध है, संबंध को ही हम क्या कहते हैं? दल विन्यास कहते हैं। ये एक ईजी डेफिनेशन है। आगे बात समझ में। तो ये डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा इन जो दल है उनके प्रकारों को, कि दल जो है वो कौन कौन से, यानी दल विन्यास के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पुष्प दल विन्यास के वेन जो है वो तीन प्रकार है, जिसमें कोर शादी जो है उसके फिर से तीन प्रकार हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। पहला है कोर स्पर्शी, दूसरा व्यावर्तिक, तीसरा कोर शादी, और तीसरे कोर शादी के वापस तीन प्रकार हमको पढ़ने हैं।
लाउंगी और तीसरा है क्विंकुंचियल। समझ में आ रहा है? अब देखो सबसे पहला आता है कोर स्पर्शी। कोर मतलब होता है किनारे और स्पर्श मतलब छूना। तो क्या मतलब निकला इसका कि यहाँ पर ये जो दल है उसकी उसके जो किनारे हैं वो एक दूसरे को सिर्फ क्या करते हैं, टच करते हैं, छूते हैं, आगे का समझ में एक दूसरे को काटते नहीं है। क्या करते हैं? सिर्फ स्पर्श करते हैं। ऐसा किसमें होता है? सरसों के अंदर होता है। ठीक है, फिर आता है व्यावर्तिक। व्यावर्तिक को अच्छे से समझना बेटा। देखो क्या होता है व्यावर्तिक या ट्विस्टेड होता है। इसके अंदर जैसे कि एक मैंने दल बनाया, अब देखो इसका एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, तो अब दूसरा इस किनारे इस पहले वाले के किनारे के कहाँ से निकल रहा है? नीचे से निकल रहा है। मतलब इसका एक किनारा क्या हुआ है? ढका हुआ है। इससे इस दूसरे वाले यानी ये पहला दल है और ये दूसरा, तो पहले दल के किनारे ने इस दूसरे वाले एक किनारे को क्या कर दिया? ढक दिया। ठीक है, अब सेम क्या होगा अगला दल जो क्या करेगा, यानी इसका दूसरा किनारा है वो तीसरे के जो एक किनारा है उसको ढकेगा। मतलब इस बीच वाले का दूसरे नंबर का क्या हो गया, एक किनारा तो अंदर आ गया और एक किनारा क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, तो यानी ये जो व्यावर्तिक जो दल विन्यास है इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली कि जो भी दल है उसका एक किनारा क्या होता है अंदर रहता है और एक किनारा क्या होता है बाहर रहता है, जो किसी अन्य दल को क्या करता है ढक के रखता है। ये जो अंदर होता है वो किसी अन्य दल के एक किनारे से ढका हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो दल होते हैं उनका एक किनारा अंदर और एक किनारा क्या होता है बाहर होता है। तो ये जो व्यवस्था होती है ये हमारी कौन सी है? व्यावर्तित व्यवस्था होती है। ऐसा गुदहल और कपास के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है ओट छाती। ओट छाती में सबसे पहला देखो अवरोही या ध्वजी। मटर के अंदर पाया जाता है, पीले जो है फ्लावर्स अभी आ रहे हैं मटर के, आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा एक दल होता है जिसको ध्वजक कहते हैं। ध्वजक के अंदर इस तरीके से दो दल होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, पंख कहते हैं। क्या कहा जाता है? पंख। और ये एक बड़ा है, इसको क्या कह रहे हैं? ध्वजक कह रहे हैं। फिर उसके बाद अंदर दो और होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनको नोतल कहा जाता है। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं तो चूड़ो को ऐसे बताते हैं, तो ये नोतल होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था मटर के अंदर मिलती है और इसे हम क्या कहते हैं जो है अवरोही या ध्वजक जो दल विन्यास में वो कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आरोही। आरोही में क्या होता है, ये जैसे कोई भी जो है शाखा है उसके ऊपर ये जो या मात्र अक्ष मान सकते हैं हम, ठीक है, इसके ऊपर ये फ्लावर इस तरह से क्या है लगा हुआ है। ये फ्लावर का दल है, ये फ्लावर का दल है, ये दल है, ये दल है और ये दल है, ठीक है। अब ये पुष्प जो है वो पुष्पीय वृंत से लगा हुआ, तो ये जो जिसपे लगा हो ये तो हो गया पुष्पीय वृंत, ठीक है। अब ये हो गया मात्र अक्ष, ठीक है। अब मात्र अक्ष की ओर यानी ये वाला जो दल है वो कहलाएगा पश्चिम, ठीक है, और ये इसके जस्ट अपोजिट वाला कहलाएगा अग्र, ठीक है। तो अब यहाँ पर आरोही वालों में देखो, आरोही वाले में जो पश्चिम जो दल होता है वो पूरा तरह से कैसा होगा, ढका हुआ होता है, मतलब अंदर होते हैं। इसके दोनों किनारे कैसे होते हैं? अंदर होते हैं। इसको कोई अन्य दल के किनारे ढके रहते हैं, मतलब इसके दोनों किनारे क्या है? अंदर है। फिर अग्र जो है वो अग्र जो आगे आगे वाला है यानी ये जस्ट अपोजिट इसके वाला, इसके दोनों किनारे कैसे होंगे? बाहर होंगे, ठीक है। बाकी तीन जो होते हैं वो अंदर बाहर होते हैं। तो ये व्यवस्था जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? आरोही ओट छाती व्यवस्था कहलाती है। फिर क्विंकुंचियल जो है, क्विंकुंचियल तीसरा प्रकार है। इसमें क्या होता है देखो, इस क्विंकुंचियल के अंदर इसके अंदर कोई भी जो दो दल है, कोई भी दो दल है वो पूरी तरह से क्या होंगे? बाहर। उसके दोनों किनारे बाहर होंगे, ठीक है, और दो दल के जो पूरे किनारे हैं वो पूरी तरह से क्या होंगे? अंदर, ठीक है। और एक किनारा जो एक दल जो होगा उसका एक किनारा अंदर और एक किनारा बाहर होगा। मतलब कौन सी व्यवस्था होगी? व्यावर्तिक व्यवस्था में ये एक होगा। समझ में आ गया? तो ये हमारे क्या हो गए? दल के प्रकार हो गए, ठीक है। फिर आता है बेटा नेक्स्ट, अगर हम लोग टॉपिक देखते हैं उमंग में, तो उमंग जो होता है उसका ससंजन हम लोग देखते हैं। उमंग का ससंजन ये टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि जो चीजें आपके जो है पुष्पीय चित्र को समझने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें मैं आपको समझा रही हूँ, है ना। तो इसीलिए आप ध्यान से समझे, इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं समझे तो आपको जो कुल के
नर भाग है उमंग, है ना। अब उमंग की जो ये सारे जितने भी मिले हैं, है ना, ये एक, ये दो, ये तीन, ये सब क्या कहलाते हैं, यानी इस उमंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, यानी इसको हम एक को क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। और जब सारे पुंकेसर को साथ में नाम दिया जाता है, एक फ्लावर में जितने भी पुंकेसर उपस्थित थे, तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, उमंग बोल देंगे। आगे बस समझ में। अब पुंकेसर है, पुंकेसर के कौन कौन से भाग होते हैं बेटा, अगर पुंकेसर को मैं देख बताती हूँ आपको, फ्लावर के जो डायग्राम है उसके अंदर समझा दिया कि ये तो होता है परागकोष, परागकोष। ठीक है, पुंकेसर की संरचना की बात कर रहे हैं। इनकी दो पालियां होती है, ये ऐसे पाली होती है, और इस पाली को जो जोड़ने वाला ऊतक होता है वो यूजी ऊतक होता है। ठीक है, और ये यूजी ऊतक जो है वो नीचे जो ग्रंथ होता है ना, उसको भी जोड़ने का काम करता है। तो तीसरा भाग कौन सा हो गया, परागकोष का, जो सॉरी पुंकेसर का, वो हो गया भूतंतु। तो हमारे पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, परागकोष जिसमें क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं जो कि नरयुग्मक होते हैं। अब ये धागे जैसे स्ट्रक्चर है वो भूतंतु है, और परागकोष और भूतंतु को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है वो क्या कहलाता है, योजी ऊतक कहलाता है। तो योजी ऊतक क्या करता है, इसको जोड़ने का काम करता है। आगे बस समझ में। तो ये हमारी संरचना हो गई किसकी, पुंकेसर की हो गई, है ना। अब देखो नेक्स्ट है कि पुंकेसरों का सहसंजन जो होता है वो क्या चीज होती है। तो सामान्यतः उमंग में पुंकेसर एक दूसरे से अलग रहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, जैसे ये एक फ्लावर है, इसके अंदर ये एक पुंकेसर है, ये दूसरा पुंकेसर, तो ये दोनों ये क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे पुष्प को हम कहेंगे क्या, पृथक पुंकेसरी पुष्प। क्या कहा जाएगा, पृथक पुंकेसरी पुष्प कहा जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये पुष्प के अंदर जो पुंकेसर है वो आपस में क्या करते हैं, कुछ भाग एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। हो सकता है कि जैसे ये पुंकेसर है, ये एक पुंकेसर है और इसके साथ ही दूसरा है, तो हो सकता है कि इसके ये भूतंतु आपस में जुड़ जाए, हो जाए। हो सकता है कि भूतंतु नहीं जुड़े और ये परागकोष आपस में जुड़ जाए, तो ये आपस में संयुक्त तो हो जाते हैं। आगे का समझ में, यानी पुंकेसर के कुछ भाग क्या हो जाते हैं, संयुक्त तो हो जाते हैं। इससे ही हम क्या कहते हैं, पुंकेसर का सहसंजन कहते हैं। यानी पुंकेसर के जो भाग होते हैं, यानी या तो परागकोष से परागकोष जुड़ सकता है, हो सकता है भूतंतु जुड़ जाए आपस में, है ना, एक पुष्प में जितने भी पुंकेसर होते हैं उपस्थित उसके आधार पर। तो पुंकेसर के जो भाग हैं उनका आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, सहसंजन कहलाता है। क्या कहलाएगा, सहसंजन। पुंकेसर के भागों का जुड़ना क्या कहलाता है, सहसंजन कहलाता है। आगे क्या समझ लें। अब सहसंजन के प्रकार है, एक संघी, द्विसंघी, बहुसंघी और युक्त कोशी। एक संघी, द्विसंघी, ठीक है, तीसरा प्रकार है इसमें बहुसंघी, चौथा प्रकार है इसका युक्त कोशी, ठीक है, पांचवा प्रकार है चौथा सहउमंगी पुंकेसर। ठीक है, तो सहसंजन के प्रकार है ना, सहसंजन के प्रकार में कितने प्रकार है, पांच, एक संघी, द्विसंघी, बहुसंघी, युक्त कोशी और सहउमंगी पुंकेसर। तो सबसे पहले देखो, एक संघी पुंकेसर उमंग के सभी पुंकेसर के भूतंतु संयुक्त होकर एक संघ बना लेते हैं। यानी इसमें कौन जुड़ता है, जो भी पुंकेसर है उसका भूतंतु जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, और एक क्या बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं। आगे का समझ में। और इस संघ को, यानी जैसे ये पुंकेसर है, इसके सारे ये जो तंतु आप देख रहे हो, ये तंतु आपस में क्या हो गए हैं, ऐसे जुड़ गए हैं, और ये लंबी सी संरचना बनी इसे पुंकेसरी
केसरी के पू तंतु दो संघ या समूह में संसंचित हो जाते हैं, पराग और स्वतंत्र रहते हैं। अब इसके अंदर द्विसंगी के अंदर क्या होता है, ये पू तंतु जो है वो जुड़ते हैं, लेकिन ये पू तंतु देखो पराग कोष तो फ्री रहेंगे, लेकिन ये पू तंतु आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। लेकिन द्वि मतलब क्या होता है, दो समूह बनाएंगे। देखो पहला समूह ये बन गया और दूसरा समूह ये दूसरा समूह, ठीक है। तो इसके जो पराग कोष है वो तो फ्री रहते हैं, लेकिन ये जो तंतु है वो आपस में क्या कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, द्विसंगी पुंकेसर जो है वो बोला जाता है। फिर बहुसंगी, इस अवस्था में पुंकेसरों के पू तंतु दो से अधिक समूह में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। बहुसंगी संघ जहाँ आए वहां ध्यान रखना है कि कौन जुड़ रहा है, पू तंतु जुड़ रहा है। आगे बात समझ में, बहुसंगी के अंदर ये दो संघ से ज्यादा, यानी ये पराग कोष तो फ्री है, लेकिन ये पू तंतु आपस में जुड़ के बहुत सारे संघ क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये तीन तो एक जैसे हो गए। फिर है युक्त कोशी, तो युक्त कोशी इस अवस्था में पुंकेसर के पराग कोष आपस में संयुक्त हो जाते हैं, लेकिन पू तंतु क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। जैसे कि ये पराग कोष है, ये पराग कोष, ये आपस में जुड़ गए, लेकिन ये पू तंतु क्या है, ये पराग कोष है, ये आपस में संयुक्त हो गए, लेकिन ये तंतु क्या है, फ्री है, यानी आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो ऐसे को हम बोलेंगे युक्त कोशी। युक्त मतलब जुड़ा हुआ, कोश यानी पराग कोश। तो पराग कोश सारे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। सूर्यमुखी मुखी के अंदर इस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। फिर आता है सपुंभंगी पुंकेसर, इस अवस्था में पुंकेसर पूर्ण लंबाई में जुड़े रहते हैं, अर्थात पू तंतु और पुंकेसर जो है दोनों ही जुड़े होते हैं। इनमें आपस में पूरा मतलब ये पराग कोष भी जुड़ जाएंगे आपस में, और ये जो तंतु है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऐसा किसमें होता है, कुकुरबिटा और जो खीरा होता है हमारा, उसके अंदर फ्लावर के अंदर ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। समझ में आ गया, ये ससंजन के प्रकार हो गए। ये नाम आएंगे बेटा जब आप पुष्पीय संरचना पढ़ोगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आता है हमने ससंजन पढ़ लिया, उसके बाद हम देखेंगे आसंजन। आसंजन इम्पोर्टेंट है, पुंकेसरों का आसंजन। पुंकेसरों का आसंजन, ससंजन पढ़ा है, आसंजन है। आसंजन क्या होता है, पुष्प के दो भिन्न चक्रों जैसे कि कुमम व दलपुंज अथवा अन्य आपस में संयुक्त होकर उनका संयुक्त होना क्या कहलाता है, आसंजन कहलाता है। दो चक्र होते हैं, जैसे कि जो हमारे कुमंग है वो क्या कर देते हैं, किससे जुड़ जाते हैं, दल पुंज से क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, या फिर किससे जुड़ जाते हैं, जो दल पुंज के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, या आपस में संयुक्त हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, आसंजन कहा जाता है। कुमंग जो है किसके साथ जुड़े रहते हैं, दल पुंज के साथ क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये व्यवस्था हमारे पुंकेसरों का आसंजन कहलाती है। इसके अंदर तीन प्रकार है, दल लग्न पुंकेसर, परिदल लग्न पुंकेसर और पूजायांगी पुंकेसर। पहला है दल लग्न पुंकेसर, नाम से समझ में आ रहा होगा वैसे। दूसरा है परि लग्न पुंकेसर, तीसरा पूजायांगी दल लग्न पुंकेसर। के अंदर क्या होता है, देखो जब पू तंतु का आधार भाग दल से संयुक्त हो जाए, यानी ये हमारा पराग कोष है और ये हमारा पू तंतु है, ठीक है। अब इस पू तंतु का नीचे वाला भाग आधारीय भाग कहलाएगा, तो इस पू तंतु का आधारीय भाग किससे जुड़ जाए, दल से जुड़ जाए, इससे दल से जुड़ जाए, तो ये व्यवस्था क्या कहलाएगी, इस पुंकेसर को हम कहेंगे दल लग्न पुंकेसर, यानी दल के साथ जुड़ा हुआ पुंकेसर। फिर आता है परिदल लग्न, जब पू तंतु का आधार भाग परिदल के पत्रों से संयुक्त हो जाता है, इससे जुड़ जाता है परिदल से, ये आधारित भाग किससे जुड़ेगा, परिदल से, तो इसे परिदल लग्न पुंकेसर कहेंगे। परिदल क्या होते हैं मालूम है, परिदल का मतलब होता है, देखो अभी मैंने बताया कि ये फ्लावर है, इसका कलरफुल प्लांट भाग जो है वो क्या कहलाता है, दल कहलाता है, और ये क्या कहलाता है,
बाह्य दल कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो दल ग्रीन कलर के है ना, है ना, वैसे ही ग्रीन ये पंखुड़ियां भी हो जाती है, मतलब दल ग्रीन हो जाती है, सेम कलर होता है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा हिस्सा पुष्प का दल है और कौन सा क्या है बाह्य दल है, ठीक है। दोनों का कलर कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये जो व्यवस्था, ये जो सारी पंखुड़ियां है, यानी जब हम दल और बाह्य दल के अंदर क्या करते हैं आइडेंटिफाई या डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका कलर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये सारे जो दल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिदल कहलाते हैं। तो परिदल के साथ अगर तंतु का आधारित भाग लगा है तो उसे परिदल लग्न पुंकेसर कहेंगे। समझ में आ गया। फिर ऐसा प्याज और लहसुन में होता है कि पूछा कि पुंकेसर, जब पुंकेसरों के पू तंतु जाया के किसी भाग से क्या हो जाते हैं, संयुक्त होते हैं। जाया का मतलब क्या है, हमारा स्त्री केसर जो आप समझते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। तो जायांग से अगर ये हमारे पुंकेसर का कोई भी भाग जुड़ जाता है, चाहे परागकोश जुड़ जाए या पूतंतु जुड़ जाए, ठीक है। तो जायांग से अगर जुड़ जाता है तो ऐसे पुंकेसर को हम पूजायांगी पुंकेसर कहेंगे। आगे बात समझ में। तो ये यहाँ पर आपके जो हिस्सा है हमारा पुंकेसरों का आसंजन, ससंजन और दल विन्यास वो कंप्लीट होता है।